अभी पिछले ही दिनों चांद पर गए थे और अब सूर्य पर भी सैटेलाइट भेजे गए। इसका क्या फायदा है? इसरो क्यों पश्चिम देशों के किए हुए मिशन को दोबारा से कर रहा है? इसरो क्यों इस चूहा दौड़ के जाल में भाग रहा है? इन सब सवालों के जवाब आपको एक कहानी में मिलेंगे। आज से लगभग कुछ वर्ष पहले 1 सितंबर 1859 की बात है, दुनिया ने दर्ज इतिहास में सबसे बड़ा भूचुंबकीय तूफान देखा था। दुनिया में कई इलाकों में बड़ी तेज सौर ज्वालाएं देखी गई थी। वहीं उत्तरी ध्रुव के आसपास के इलाकों में उषाकाल देखा गया था और इस घटना के बाद दुनिया में कई जगह बिजली के उपकरण खराब हो गए थे और कई टेलीग्राफ स्टेशनों में आग भी लग गई थी। ऐसा बताया जाता है कि सूर्य से निकलने वाला कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME के कारण बड़ी मात्रा में सौर ज्वालाएं धरती के मैग्नेटोस्फीयर से टकराई और उसके बाद ये सारी घटनाएं घटी। 1859 में तो बिजली कहीं कहीं थी, टेलीग्राफ स्टेशन भी बहुत कम थे, ना ही बिजली ग्रिड हुआ करते थे, ना सैटेलाइट थे और ना इंटरनेट था। अगर आज ऐसा कोई सौर तूफान आ जाए तो क्या हो सकता है? हो सकता है बड़े बड़े बिजली स्टेशन बर्बाद हो जाएं, बिजली ग्रिड ठप हो जाए, कई सैटेलाइट बेकार हो जाए। हो सकता है उत्तरी ध्रुव के आसपास के इलाकों में लोगों पर विकिरण का दुष्प्रभाव हो, बिजली के तार जल जाए, आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर दे। ऐसे किसी सौर तूफान से बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर हम CME के पैटर्न्स को समझ ले तो हो सकता है भविष्य में ऐसी किसी घटना से पहले हमें कुछ बचाव के कदम उठाने का समय मिल जाए। भारत का आदित्य L1 अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है और उसके कई कामों में से एक है सूर्य के CME को समझना, सौर ज्वाला के व्यवहार को समझना, किसी भी विद्युत चुंबकीय ब्लैक आउट की स्थिति में उपयुक्त कदम उठाने के बारे में जानकारी देना। इसके अलावा सूर्य से पृथ्वी के मौसम, तापमान और अन्य कई तरह के पड़ने वाले प्रभावों को जानकारी देना। यह आदित्य L1 ही क्यों है? आदित्य सैटेलाइट है जिसे सूर्य के L1 ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। सूर्य और धरती के बीच ऐसे 5 ऑर्बिट है, या कह सकते हैं ऐसी 5 जगह है जहां अगर कोई चला जाए तो उसे ना पृथ्वी ना सूर्य का गुरुत्वाकर्षण महसूस होगा। वह ऑब्जेक्ट उस ऑर्बिट में कई सालों तक घूम सकता है और उसे यह काम करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह बिना गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के आराम से घूमता रहेगा। इसरो ने L1 ऑर्बिट को क्यों चुना? L1 ऑर्बिट में रहकर कोई भी सैटेलाइट सूर्य को बिना रोक टोक अनुसरण कर सकता है, मतलब कोई सूर्य ग्रहण नहीं होगा वहां और ना वह पृथ्वी और सूर्य के बीच में आएगा। ऐसा माना जाता है कि L1 ऑर्बिट में जाना और वहां रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको सैटेलाइट की वास्तविक समय, स्थान और अन्य जानकारियां होनी चाहिए और साथ ही उसे लगातार मूव करना पड़ता है ताकि आपका सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में बना रहे। L1 के मुकाबले दूसरे ऑर्बिट में जाना और वहां बने रहना आसान है, लेकिन इसरो आसान काम करता ही कहां है। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा ये जानकारी आपको कैसा लगा तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर भरें और पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।